कि अभी एलोकेशन का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, तो अब हमें बताया जाए कि हमारे से प्रेफरेंस किस चीज़ की ली गई है। 1401 सीटों पर ली गई है, तो अभी हमें तो ये भी तथ्य सामने आ रहा है कि हमारे को तो सीटों का ही पता नहीं है, पहली बात। ठीक है, जब हमें पता ही नहीं है कि कितनी सीटें हमारे पास हैं, तो हमारे को 1401 सीटों पे क्यों बोला गया कि आपने अपनी जो प्रेफरेंस है 1401 सीट पे भरनी है। ठीक है, पहली बात तो ये तो वही बात होगी कि हम 1401 सीट पे अपना प्रेफरेंस भी दे दें, वहाँ से हमें सीटें मिल भी जाएँ, बाद में हमारे ऊपर केस हो जाए या फिर कोई और हमारे ऊपर केस कर दे। ठीक है, तो दूसरी बात अभी देखिए कि ये जो भर्ती चलती आ रही है 727 पोस्ट कोड से चलती आ रही है, 817 पोस्ट कोड इसमें रहा है, इसके बाद आपके 903 पोस्ट कोड इसमें रहा है, 939 है आपके पास, 965 है और 1000 पोस्ट कोड है। इन 6 भर्तियां अब आप हिसाब लगा सकते हैं कि 4 साल में एक भी भर्ती अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाई है। ठीक है, तो आप हिसाब वैसे भी लगा सकते हैं कि या तो सरकार क्या कर रही है, या तो डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं, या तो आपका चयन आयोग क्या कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखिए कि ये जो सारा का सारा प्रोसीजर था, ये सारा का सारा 21 अगस्त तक तो सब कुछ खत्म हो चुका था, तो 21 अगस्त के बाद अभी तक भी इनने कोई रिजल्ट नहीं निकाला है। हमारी डीवी भी 31 अगस्त तक खत्म हो चुकी थी, अभी तक इनसे कोई रिजल्ट निकला नहीं है। अभी हम ऊपर गए थे चयन आयोग के पास, के अधिकारियों से कुछ मिले हैं, तो अभी बोल रहे हैं कि डिपार्टमेंट से एलोकेशन नहीं आई है। तो किस बात की एलोकेशन, अब इनको किस बात की एलोकेशन चाहिए, जब इनने पहले से ही सीटों की क्लेरिफिकेशन दे दी थी कि 1401 सीटें हैं, तो अभी इनको किस चीज़ की क्लेरिफिकेशन चाहिए ये हमें नहीं पता। हम ACS और CS से मिलते हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ से सारी फाइलें क्लियर कर दी गई हैं। अगर वहाँ से सारी फाइलें क्लियर कर दी गई, तो यहाँ से हमें तो सीटों के बारे में बता रहे हैं कि अभी 1401 सीटों का ही ब्यौरा पता नहीं है। तो हम नहीं जानते कि सरकार हमारा फुटबॉल बना रही है, या तो ACS बना रहे हैं, या फिर या हमारा चयन आयोग हमारा फुटबॉल बना रहे हैं। हम एक दूसरा जगह बस एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं और कुछ नहीं है। थैंक यू।